तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में टमाटर का सीडलिंग कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस तरह का बड़ा टमाटर लेना है और मैं एक बड़ा एक छोटा हाफ ले रहा हूं और इस तरह का उसको स्लाइस करके काट दिया हूं। अभी आप देख रहे हो और छुरी से कटिंग कर दिया हूं। तो कटिंग करने के बाद एक करके रख रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैंने पहले से ही मिट्टी का प्रिपरेशन कर दिया था, तो जैसे गोबर का खाद, कोकोपीट इस तरह का मिला के प्रिपरेशन कर दिया था। और उसके बाद इस तरह का टमाटर जो अभी स्लाइस कर दिया हूँ और स्लाइस करने के बाद इस तरह का अभी एक एक करके रख रहा हूँ। और फ्रेंड्स इस तरह का करने से बहुत ही जल्दी ग्रोथ हो जाता है, मतलब 10 दिन लग जाता है, 7-8 दिन में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक वीडियो में और भी आगे आप देखेंगे। तो मैंने पहले से एक बना दिया हूँ और जो टमाटर का जो सीडलिंग हो गया है, तो अभी मैं बस स्प्रिंकल करूँगा, पानी स्प्रिंकल करूँगा। और देखिए, तो उसके बाद मैंने एक पहले से ही रेडी कर दिया था। तो देखिए इस तरह का ग्रोथ हो ही जाता है। एक पॉट में लगाया था, तो देखिए किस तरह का ग्रोथ हुआ है, मतलब छोटा छोटा हुआ है और 7-8 दिन में इस तरह का ग्रोथ हो जाता है। और 10-12 दिन में तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो फ्रेंड्स उसके बाद में पॉटिंग कर दूँगा, उसके बाद में गमले में लगा दूँगा। तो देखिए इस तरह का हो गया है। और मैंने फ्रेंड्स टायर में भी लगा दिया था कुछ इसी तरह। मैंने टमाटर कुछ तो बस फेंक दिया था, जो टमाटर सड़ गया है वो ख़राब हो गया था, इस तरह का फेंक दिया था। तो देखिए इस तरह का टमाटर भी हो गया है और उसके साथ भी मिर्ची भी हो गया है। कुछ मिर्ची का पौधा भी ग्रोथ हो गया है और उसके साथ टमाटर मैंने फेंका था और टमाटर के साथ मिर्ची भी ग्रोथ हुआ है और ऐसे ही सीडलिंग हो गया था। तो फ्रेंड्स 10-12 दिन के अंदर इस तरह का ग्रोथ हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।